मैं मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने मंत्रिपरिषद को देखा था। मंत्रिपरिषद के जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम जो कार्यपालिका है उसका सेकंड पार्ट, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, उसको हम देखेंगे। तो आज जो प्रशासनिक जो अधिकारियों का जो टॉपिक है वो बहुत छोटा सा है और उसको अच्छे से हम समझने की आज कोशिश करेंगे। तो यदि मैं बात करूँ प्रशासनिक अधिकारी, तो प्रशासनिक अधिकारियों में हम देखेंगे तो जो सबसे प्रशासन का जो मुख्य हेड जो ऑफिस होता है वो हमारा, मैं बात करूँ सचिवालय होता है। क्या होता है? सचिवालय। तो जो मध्य प्रदेश का जो सचिवालय है, इसका प्रशासन केंद्र मुख्य होता है। ये सचिवालय प्रशासन का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। यदि मैं आगे बात करूं प्रशासनिक अधिकारियों की, मैं बात करूं प्रशासनिक व्यवस्था की, मैं बात करूं तो सचिवालय होता है प्रशासन व्यवस्था का जो मुख्य केंद्र बिंदु, सचिवालय होता है सचिवालय। यदि मैं इसकी बात करूं सचिवालय है कहाँ, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अरेरा हिल्स पर वल्लभ भवन के नाम से स्थापित किया गया। तो मैं बात करूं प्रशासनिक व्यवस्था का जो मुख्य केंद्र बिंदु सचिवालय होता है, जो इसका जो है मध्य प्रदेश की राजधानी में अरेरा हिल्स पर जो वल्लभ भवन के नाम से स्थापित है, वही सचिवालय है। तो सचिवालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अरेरा हिल्स पर स्थित है, जो वल्लभ भवन के नाम से प्रसिद्ध है। और आगे मैं बात करूं तो अगला पॉइंट ये बोलता है कि जो सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन इसके ही पास दो संचालक कार्यालय स्थित है। यदि मैं बात करूं कि जो संचालक कार्यालय है वो दो, एक तो सतपुड़ा भवन, एक विंध्याचल भवन, यही सचिवालय के दो उप कार्यालय है। जो सचिवालय के पास अरेरा हिल्स के पास सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन के नाम से स्थापित किए गए हैं। यदि मैं आगे बात करूं इसकी कि इसके प्रथम मुख्य सचिव एच एस कामत। तो इसके जो प्रथम मुख्य सचिव थे वो एच एस कामत थे। यदि मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में मुख्य सचिव
मुख्य सचिव सुधीर रंजन मोहंती, सुधीर रंजन मोहंती इसके मुख्य सचिव वर्तमान में है। और प्रथम मुख्य सचिव एच एस कोमत। यदि मैं आगे और बिंदु की जानकारी आपको मैं बता दूं कि जो मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं, मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले, प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। प्रशासन की दृष्टि के आधार पर जो 10 संभाग उनके अंतर्गत 52 जिले, उनके अंतर्गत 52 जिलों को प्रशासनिक दृष्टि से इनको बांटा गया, यानी कि क्षेत्रीय विभाग, क्षेत्रीय प्रशासन के आधार पर इनको बांटा गया है। तो यदि मैं बात करूं जिले में अनुभाग, तहसील, उप तहसील, जो सामान्य प्रशासन का कार्य और राजस्व कार्य को नियंत्रण में रखती है या करती है। यदि मैं आगे बात करूं कि जो मध्य प्रदेश में प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें कुछ आयोग, कुछ संस्था महत्वपूर्ण है, उनके हम नाम जानने की कोशिश करते हैं। अभी आप जो वर्तमान में जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यदि मैं बात कर दूं लोक सेवा आयोग की, MPPSC की, तो एक जो प्रथम मुख्य आयोग जो है ये है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। दूसरा राजस्व बोर्ड। ये जो मुख्य संस्था मैं बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश की जो मुख्य संस्था, मुख्य आयोग जो है मध्य प्रदेश के प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो तीसरा राजस्व बोर्ड, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और महिला आयोग और चौथा मानव अधिकार आयोग और पांचवा मानव अधिकार आयोग और पांचवा राज्य निर्वाचक आयोग और छठा महालेखाकार कार्यालय। ये जो कुछ मुख्य प्रशासनिक संस्था या आयोग थे। यदि मैं आगे बात करूं और भी प्रशासनिक दृष्टि से जो क्षेत्रीय कार्यालय जो प्रशासनिक दृष्टि से विभाजित किए गए देखते हैं, तो पहला बिंदु मैं नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ प्रशासनिक दृष्टि से चलता हूँ। तो देखते हैं जो पहला नंबर अनेक ग्राम पंचायतों से मिलकर एक जो है तहसील बनती है, तहसील का निर्माण होता है, तहसील बनती है जिसका प्रमुख अधिकारी तहसीलदार होता है, तहसीलदार
होता है। यदि मैं अनेक तहसीलों की बात करता हूँ, अनेक तहसीलों के, अनेक तहसीलों से मिलकर जो बनता है ब्लॉक, जिसको हम विकास खंड बोलते हैं, विकास खंड, तो इसके जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, प्रमुख अधिकारी की यदि मैं बात करूं किसके, विकास खंड के, तो विकास खंड के प्रमुख अधिकारी होते SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। SDM विकास खंड के प्रमुख अधिकारी होते अनेक विकास खंडों से मिलकर जो बनते हैं वो होता है जिला, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। तो इसके जो प्रमुख अधिकारी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और यदि मैं बात करूं इससे आगे, तो अनेक जिलों से मिलकर यहां मैं इसको दर्शा रहा हूं, अनेक जिलों से मिलकर एक संभाग का निर्माण होता है। तो संभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता है अधिकारी जो कहलाता है कमिश्नर। तो हमने ये प्रशासनिक दृष्टि से ये चीजें देख चुके हैं कि अनेक ग्राम पंचायतों से मिलकर तहसील बनती है, तहसील का प्रमुख अधिकारी तहसीलदार होता है, अनेक तहसीलों से मिलकर ब्लॉक विकास खंड बनता है जिसके प्रमुख अधिकारी SDM होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अनेक विकास खंडों से मिलकर एक जिले का निर्माण होता है जिसका प्रमुख अधिकारी DM होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अनेक जिलों से मिलकर एक संभाग का निर्माण होता है, संभाग का प्रमुख अधिकारी कमिश्नर कहलाता है। तो आज हमने प्रशासनिक संस्था है जो सब चीज़ देख चुके हैं, यानी कि आज हमारी कार्यपालिका कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम देखेंगे न्यायपालिका। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।